गाथा सुनाता हूँ उस वीर की, शत्रु जिसके बाणों से कर रहते थे, केवल कृष्ण की ना बात करो, स्वयं शिव उसे सराहते थे। करुणा से भरा हृदय था जिसका, न तनिक भी मन में स्वार्थ था, तीनों लोक में प्रशंसा पाने वाला मेरे माधव का वो पार्थ था। रावण इंद्र थे पराजित जिनसे, 3 करोड़ निवात कवचों पर अकेला ही वो भारी था, अरे शिव को अपने धनुष से खींचने वाला वो मेरा गांडेवधारी था, वो मेरा गांडेवधारी था। योद्धा तो थे श्रेष्ठ बहुत, पर मैं क्यों अर्जुन अर्जुन गाता हूँ, महाभारत के उस महासमर से 14वें दिन का वृतांत सुनाता हूँ। अभिमन्यु की निर्मम हत्या से अर्जुन की भीषण हुंकार हुई, सूर्यास्त कल का नहीं देखेगा जयद्रथ, गांडीव की भयंकर टंकार हुई। अर्जुन की प्रतिज्ञा से धरती उस दिन कांप गई, और रणभूमि में होने वाले तांडव को कुरुसेना थी भांप गई। रुद्र तांडव जैसा उस दिन युद्ध बड़ा ही क्रूर था, और श्रेष्ठ होने का उस दिन कईयों का वहम भी दूर था। कौरव योद्धा लगे विचारने, कैसा भयंकर क्षण होगा, जब अर्जुन उतरेगा रणभूमि में, जीवन नहीं मरण होगा। अब सुनो कैसा भीषण रक्तपात हुआ, अगले दिन जब शंखनाद हुआ, कुरुओं के भाग्य थे फूट पड़े, और अर्जुन सात्यकी उन पर टूट पड़े। घोर गर्जना करता अर्जुन, भयभीत सृष्टि का खंड खंड था, कुरु योद्धाओं में हाहाकार मची थी, वेग पार्थ का ऐसा प्रचंड था। धर्मराज की रक्षा हेतु सात्यकी को पड़ा वापस जाना था, पार्थ के उस रौद्र रूप से मुश्किल जयद्रथ का बच पाना था। सभी व्यूह ध्वस्त होते जाते थे, पंच तत्व भी जयगान अर्जुन का गाते थे, चक्र सप्त सूची व्यूह भी असफल से हो जाते हैं, जब क्रुद्ध होकर नर नारायण युद्ध भूमि में आते हैं, जब दोपहर के युद्ध के कारण अश्व नहीं चल पाए थे, तब सभ्यसाची युद्ध को करने उतर धरा पर आए थे, रथ विहीन पार्थ देखकर हर महारथी उससे लड़ने आया था, बिना रथ के भी उस दिन कोई न पार्थ को जीत पाया था, सभी एक साथ मिलकर भी ना धनंजय को जीत पाए थे, यूं ही नहीं शांति सभा में परशुराम ने जयगान अर्जुन के गाए थे, अरे रथ विहीन होकर भी पार्थ सभी महारथियों पर भारी था, अरे गौर से सुन लो कथा ये बंधु, कैसा मेरा गांडिवधारी था, कैसा मेरा गांडिवधारी था। अब आगे का वृतांत सुनाता हूँ, जब दुर्योधन पार्थ समक्ष आया था, गुरु द्रोण ने रक्षा हेतु ब्रह्म कवच पहनाया था, फिर अब अर्जुन अपने अग्रज से बोले, व्यर्थ में ही आज प्राण अपने गवाओगे, ये द्यूत नहीं है समरांगण है, मेरे हाथों मारे जाओगे। ब्रह्म कवच जैसे संकट को जिष्णु ने फिर टाला था, अपने तीव्र बाणों से उसने खुद के अग्रज को बींध डाला था, फिर दुर्योधन संग अश्वत्थामा वृषसेन शल्य और भूरी श्रवा आए, पार्थ संग युद्ध करने हेतु कृपाचार्य और कर्ण लाए, सभी मिलकर भी ना जीत सके फाल्गुन को, फिर दुःशासन और सिंधु राज जुड़े, पर गांडीव का प्रचंड वेग देखकर हर योद्धा के थे होश उड़े, हर योद्धा के थे होश उड़े। सबने मिलकर कुछ हद तक किया कृष्ण अर्जुन को घायल था, अरे सम्रांगण नहीं सृष्टि का कण कण उस दिन मेरे पार्थ का ही तो कायल था, मेरे पार्थ का उस दिन कायल था। अंगराज को जब रथ विहीन किया तो अश्वत्थामा को आना पड़ा, परास्त होकर जिष्णु से अंगराज को अश्वत्थामा संग रणभूमि से जाना पड़ा, सूर्य ढलने को आया था पर पार्थ का शौर्य अभी भी जारी था, अरे 8 महारथी जिससे डर कर भागे वो मेरा गांडिवधारी था, वो मेरा गांडिवधारी था। अर्जुन गिराने लगे जो शीश सिंधु राज का, माधव बोले पार्थ तनिक विचार करो, व्यर्थ अपना बलिदान देकर ना पांडव सेना को लाचार करो, जो धरा पर गिरा शीश सिंधु राज का अनर्थ प्रचंड हो जाएगा, वृद्ध क्षत्र के वरदान के कारण तुम्हारा मस्तक खंड खंड हो जाएगा। तब विभत्सु ने क्रोध में आकर समस्त रण क्षेत्र को हिला दिया, और जयद्रथ का शीश उन्होंने पिता वृद्धक्षत्र की गोद में था गिरा दिया। अब पूछता हूँ उन योद्धाओं से जिन्होंने खुद को पार्थ से श्रेष्ठ बताया था, क्यों अर्जुन के भय के कारण तुमने सिंधु राज को छुपाया था, अरे श्रेष्ठ होते तो जाकर सीधे पार्थ की छाती पर तन जाते, तुम योद्धाओं की भांति युद्ध को करते, ना सिंधु राज को छुपाते तुम, अरे धर्म की खातिर लड़ा सदा ही
ना श्रेष्ठ कभी खुद को बताता था। युद्ध कौशल को देख स्वयं इंद्र जिसके आगे नतमस्तक हो जाता था। हर धर्म परायण व्यक्ति जिसका सदा ही आभारी था। अरे योद्धाओं में सबसे उच्च वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था।